हे गाइस, वेलकम टू संजय का व्लॉग चैनल। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम जा रहे हैं ग्लोबल विपासना पगाड़ा, जो कि गोराई में है, और यहाँ से थाने गोरबंदर रोड से मेरे घर से तकरीबन पौने दो घंटे 1 आवर 45 मिनट्स और 1 आवर 50 मिनट्स दूरी पे है। ये इसकी विशेषता ये है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन टोम है, जहाँ पे 8000 पीपल कैन डू अ मेडिटेट एट वन टाइम। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अद्भुत जगह है। और मैं आपको वहां से, जैसे कि वहां से गोराई में है, तो गोराई से इस जगह से जो पगाड़ा है वहां से तकरीबन गोराई बीच, वो भी कुछ 4-5 किलोमीटर दूरी पे ही है, तो हम वहां भी जाके आएंगे। तो चलिए मेरे साथ आज जाते हैं ग्लोबल विपासना पगाड़ा और गोराई बीच मेरे साथ। गाइस, तो अभी यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है, लेफ्ट में गोराई है, एसएल वर्ल्ड है और मनोर है, और राइट में उत्तन बीच है। सो हमें लेफ्ट की ओर जाना है। जैसे मुझे पता चला है कि ये एसएल वर्ल्ड के आजू बाजू में ही है, ये जो हम जहाँ पे जा रहे हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं अभी, और ये अंदर की ओर जा रहे हैं, और होपफुली हमें ये कार पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगी। दूर से आपको टोम दिख रहा होगा, तो ये अब हम आ गए हैं ग्लोबल विपासना पगोड़ा। देखिए कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, बहुत ही सुंदर दृश्य। और अब हम अंदर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट विपासना पगोड़ा है। ये देखिए, अब अंदर आने के बाद बहुत ही सुंदर दृश्य, और यहाँ पे लिखा हुआ है गुंजेवाड़ी धर्म की धरती और आकाश, बहुत ही सुंदर। इसका आर्किटेक्चर देखिए आप, इतना बढ़िया आर्किटेक्चर है इसका। ये म्यांमार का आर्किटेक्चर है यहाँ पे। अब अंदर की ओर जाते हैं हम। ये देखिए बहुत ही अद्भुत। तो ये है घंटा मीनार, बेल टावर, बहुत ही सुंदर। और अब मैं इसको यहाँ पे बहुत ही सुंदर आवाज, बहुत ही सुंदर आवाज, बहुत बढ़िया, अद्भुत। और ये है गोंग टावर। तो यहाँ पे हमें ऊपर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इसका वीडियो ले रहा हूँ। बहुत सुंदर। अब हम मेन गुम्बद की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अब मेन डोम की तरफ हम जा रहे हैं, गुम्बद की तरफ। बहुत ही बहुत ही सुंदर है ये, मेरे पास शब्द नहीं है इसके एक्सप्लेन करने के। पता नहीं मैं उस किस्म का मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो में, लेकिन आप सबको मैं जितना हो सके उतना मैं वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप सारे उसके ये नज़ारे ले सकें। ये हम ऊपर आ गए, और ऊपर से इसका दृश्य देखिए, ये हाथी नकमकसुक करते हुए दोनों ओर। और कहा जाता है कि इसी गुम्बद में भगवान बुद्ध के अवशेष भी रखे हुए हैं,
और यहाँ पे 8,000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। और ये है मुख्य पगोड़ा प्रवेश, और अब हम अंदर जाते हैं मुख्य पगोड़ा प्रवेश। यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं किस तरह के 8,000 लोग इसमें मेडिटेशन कर सकते हैं और कैसी जगह है ये। और ये ध्यान की जगह है जहाँ पे मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, 8,000 लोग एक साथ यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं। दिस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन प्लेस। देखिए आप, बहुत ही सुंदर। बहुत ही बड़ा है ये, बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी रखा हुआ है इन्होंने, और पीछे देवी देवताओं की मूर्ति, ये देख सकते हैं आप। लोग फोटोग्राफी का भी आनंद ले रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो गाइस, ये है सत्यनारायण गोयनका और इलायची गोयनका, जिनका जन्म 1924 में बर्मा में हुआ था, और इन्होंने ही इस विपासना की स्थापना भी की थी। ये बहुत ही बढ़िया गार्डन है यहाँ पे, आप देख सकते हो। बच्चे लोग भी यहाँ पे खेल सकते हैं और यहाँ पे आप भी आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे अशोक स्तंभ भी है, ये देखिए, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे उनका बच्चों का गार्डन है, तो लोग यहाँ पे बच्चों के साथ अच्छा टाइम भी व्यतीत करते हैं। और उनके बराबर सामने ये मेन पगोड़ा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांति का वातावरण है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो और एक डे बहुत ही सुंदर तरीके से स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये गोयनका जी की मूर्ति है, उनकी पत्नी की मूर्ति है। ये जो चक्र जो हमने अभी देखा, ये मेन गुम्बद, और ये उनके सामने ये अशोक स्तंभ, और यहाँ पे ये अशोक स्तंभ, और ये बच्चों का गार्डन। बहुत ही बड़ी जगह है ये। आप इस गुम्बद के चारों ओर चक्कर भी लगा सकते हो, और हर जगह बैठने की व्यवस्था भी है। और ये विपासना मेन गुम्बद के नीचे चारों ओर ये बहुत ही सुंदर सब सुवाक्य लिखे हुए हैं यहाँ पे, से देख आप देख रहे हो। ये पूरे मेन गुम्बद के नीचे सब जगह ये लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर। और कॉन्स्टेंटली स्पीकर पे भी इसकी धुन बजती रहती है। बहुत ही पवित्र वातावरण लगता है यहाँ पे आके। मन की शांति का जो एहसास होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बयान नहीं कर सकता। अब मैं इस गुम्बद के चारों ओर घूम रहा हूँ। मैं बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है इसका, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है सब, बहुत सुंदर। ये देखिए चारों ओर ये लिखा हुआ है, और क्या सुंदर आर्किटेक्चर है इसका, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अलग अलग गेट लिखे हुए, गेट नंबर 3 है यहाँ पे। कितना बड़ा ये गुम्बद है, चारों ओर मैं घूम रहा हूँ अभी इस गुम्बद के। और अभी गुम्बद से गोल घूमते हुए अभी फिर से हम इसी नतमस्तक हाथी के सामने आ गए, जो मेन एंट्रेंस था इस मेन पगोड़ा का। देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर, यहाँ से ही हमने एंट्री की थी। और ये उसके सामने मेन गुम्बद,
यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता। बहुत ही सुंदर और बहुत ही धार्मिक वातावरण है यहाँ का। यहाँ पे आते ही आपको मन में शांति का एहसास होगा। बहुत ही सुंदर। आप लोग भी एक दिन यहाँ पे आइए अपने फैमिली के साथ और वन डे स्पेंड कीजिए यहाँ पे फैमिली के साथ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया जगह है ये। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। मुख्य पगोड़ा जिसके सामने हम खड़े हैं, उत्तर पगोड़ा, महाबुद्धि वृक्ष, रंगभूमि, अशोक स्तंभ, साउथ पगोड़ा और वॉशरूम्स, सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो यह धम्म चक्र बगीचा बहुत ही सुंदर। व्हील ऑफ धम्म रोटेट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बोधि वृक्ष भी है। ये देखिए ये है बोधि ट्री। बहुत ही सुंदर। इन्होंने आगे इसके चारों ओर कॉर्डन की हुई है ताकि कोई इसे डैमेज ना कर सके। ये है बोधि ट्री। और इस बोधि ट्री के बराबर सामने रिफ्रेशमेंट है। आप यहाँ पे रिफ्रेशमेंट भी कर सकते हो। अभी हम भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। ये है बुद्ध की मूर्ति यहाँ पे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आराधक मूर्ति है ये। और उसके पीछे है महान पगोड़ा। बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये। महामानव बुद्ध, बुद्ध की महान विद्या विपश्यना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और हम वापस निकल रहे हैं। अभी एग्जिट की ओर जा रहे हैं। तो विपासना पगड़ा से अब हम घुराई बीच आ गए हैं। अगर आप विपासना पगड़ा आए तो यहाँ से घुराई बीच तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। सो घुराई बीच वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए हम भी यहाँ पे अभी घुराई बीच आ गए और आपको भी इसका नज़ारा दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर बीच है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो सब नारियल के झाड़ हैं और पूरे बीच में नारियल के झाड़ हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये देखिए गोराई बीच। और काफी लोगों का ताता है आज। बहुत लोग हैं आज, बहुत भीड़ है। देखिए और यहाँ पे बीच पे ही गाड़ी की पार्किंग है लोगों की। मैं भी अपनी कार यहाँ पे बीच तक लेके आया हूँ। और ये नारियल के झाड़ बहुत ही सुंदर। और ये अब सनसेट हो रहा है। बहुत ही सुंदर नजारा, ये सनसेट व्यू। और ये देखिए ये गाड़ी समुंदर के पानी में। मानना पड़ेगा ड्राइवर को यहाँ तक गाड़ी लेके आया ये। हद है भाई। और ये बोट काफी काफी रश है आज। बहुत बहुत ही रश है आज। सैटरडे इवनिंग है आज और नॉर्मली मुंबई के बीचेस पे सैटरडे और संडे नाइट काफी रश होता है यहाँ पे। ये देखो बहुत सुंदर। इनको गाड़ी बहुत जल्दी जल्द निकालनी पड़ेगी। ये गाड़ी देख के मुझे डर लग रहा है कि ये गाड़ी इतने पानी में यहाँ तक रखी हुई है। बहुत खूब। सुपर। ये देखिए बाइक भी चला रहा है कोई अपने फैमिली के साथ। मैं पहली बार अपनी लाइफ में मैं अपनी कार सीधे बीच की ओर लेके आया।
तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा जहाँ पे मैं सुरुचि बीच गया था, वहाँ पे मैंने उस बीच पे एक पार्किंग थी, वहाँ पे पार्क की थी और थोड़ा सा तकरीबन आधा किलोमीटर का रास्ता था, वॉकिंग था और वहाँ पे वॉक करके मैं बीच पे गया था। जबकि ये बीच पे आप अगर अपनी गाड़ी कार है या बाइक है तो आप सीधा यहाँ तक लेके आ सकते हैं। ये एक बढ़िया बढ़िया चीज़ है यहाँ की। ये देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं, घोड़े सवारी भी हो रही है यहाँ पे। और ये मैंने जैसे आपको बताया नारियल के पेड़ है यहाँ पे काफी सारे, बहुत सुंदर। सो गाइस मैं अब घर पे आ गया हूँ फ्रॉम ग्लोबल विपासना पकाड़ा और गोराई बीच से। तकरीबन मुझे कुछ पौने दो घंटे लग गए घर पे आते हुए फ्रॉम गोराई बीच टू थानेकोट बंदर रोड। और मैंने क्विक विजिट भी कर ली गोराई बीच की, सो बिकॉज बहुत ही वो नज़दीक था, 4-5 किलोमीटर ही था। तो गाइस आप लोग को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से कीजिएगा मेरे ब्लॉग पे और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्लॉगिंग वॉचिंग माई ब्लॉग्स। थैंक्स।